हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना जमाना यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रेलवे स्टेशन। जी हाँ मेरे दोस्त, ये मौजूद है गाजीपुर के ताड़ी घाट पर। जी हाँ दोस्तों, ये ताड़ी घाट अति प्राचीन स्टेशन है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे अगर गाजीपुर के होंगे तो, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन है, इसका उद्घाटन सन 1880 ईस्वी में टेरी ने किया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हाँ, तो गाजीपुर में अफीम की खेती और गुलाब की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये अंग्रेज यहाँ से ये सब माल लेकर जाते थे तो बहुत ही तकलीफ होती थी, तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन ताड़ी घाट बनाया गया था। चलिए तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा देखने में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो बनाए हैं उनका नाम है अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौजूद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में और ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन पे भारत की ऐसी रेल स्टेशन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो ट्रेन चलती है, एक ही ट्रेन चलती है जो तीन बार चलती है, उसका नंबर बदल जाता है। मौजूद है ताड़ी घाट में, आप देख सकते हैं ताड़ी घाट ये स्टेशन है। ये 1880 में इसका उद्घाटन टेरी ने किया, तो जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय इसका उद्घाटन किया गया था। पहले के समय जब रेल लाइन नहीं हुआ करती थी उस समय हमारे बगल में जस्ट गंगा नदी है, तो इसी के गंगा नदी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान लोग आया जाया करते थे, और नाव का उस समय समय था तो नाव से लोग आते जाते थे, उस समय व्यापार चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि गाजीपुर से ज़्यादा से ज़्यादा माल एक स्थान से हम दूसरे स्थान ले जा सकें, लगभग 19 किलोमीटर की दूरी है दिलदार नगर टू ताड़ी घाट, जिसमें 7 साल से अरे भाई बार ट्रेन सुबह दोपहर शाम आती है, तीन टाइम एक ही ट्रेन। पहले जो ट्रेन चलती थी इसमें इलेक्ट्रिक हो गया, वाह अच्छा व्यवस्था हो गया। जब मोदी सरकार हुई उस समय देखिए इलेक्ट्रिक से इसे कर दिया गया। अब लगभग 1 से 1.5 साल से ये इलेक्ट्रिक से चल रही है और अब तो बढ़िया हो गया है, इलेक्ट्रिक से चल रही है। तो आपकी कब यहाँ पोस्टिंग हुई है? 5-7 वर्ष हो गया पोस्टिंग हुए। तो आप यहाँ क्या काम देखते हैं? काम वही देखते हैं, सफाई वफाई करते हैं, सब इधर घास जमा रहता है, कोई गंदा रहता है साफ करते हैं। अच्छा, तो ये इसी स्टेशन का नाम सुन के रविन्द्रनाथ टैगोर गाजीपुर में आए थे, और गाजीपुर पहले अंग्रेजों के समय इसलिए फेमस था ताकि यहाँ गुलाब और की खेती ज्यादा होती थी। अरे यार भाई, इनका तो हाथ ही नहीं लग रहा है, हाथ कट गया। कब का स्टेशन? ओह माय गॉड, हाथ कट गया है। 1880 का, तो ये एक ही ट्रेन आती जाती लग रहा है, उसी ट्रेन से कटा होगा जो अंग्रेज चला रहे हैं। सुबह शाम चलती थी पहले भी। हाँ, पहले कोयला पानी से चलती थी। हाँ, इस पे कोयला पानी से, कोयला पानी से। हाँ, उसके बाद डीजल से चलने लगी, उसके बाद डीजल स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट के बाद अभी इलेक्ट्रिक से चल रहा, अब अच्छी सुविधा हो गई। अब तो मनोज सिन्हा जी जो गाजीपुर के पूर्व सांसद थे, मनोज सिन्हा, अब ये जुड़ जाएगा तो आप लोगों मऊ गाजीपुर आने जाने में काफी अच्छा। यार ये बहुत पुराना है, अच्छा लगता है, पुरानी बातें सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए भाई, हम लोग जात का अर्जन है लेकिन हम लोग पत्थू पर नहीं जाते हैं, लोग काम कर दिए उस काम पर जाइए, कितना अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ का जनता अच्छे जनता नहीं जनती पहले बार से इस बार में वोट बेसी पाए हैं जी, पहले से बेसी पाए, बाकी दो पार्टी एक हो गई उसमें। अच्छा, तो मनोज सिन्हा जी दोस्तों अच्छा काम किए हैं जो मऊ को जोड़े हैं, और यहाँ से अब रेल चलने लगेगी, अब आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो एक ट्रेन आने में कितना समय लगता है? जो ट्रेन आती है एक घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 4-5 बात तो उसी समय की है। भेड़ बकरी भी जाती है ट्रेन में एक स्थान से दूसरे स्थान? घास होस तो लोग तो भाई जो सोनी रोपनी के लिए। अच्छा, तो दोस्तों जो यहाँ खेत भी किसानों का काफी दूर दूर है, जो भी अपने खेत जाते हैं अपना रहते हैं 2-4 घंटा भी अपना ट्रेन ही से चले आते हैं। सोनौल से 1.5 किलोमीटर सोनौल है जी, ओकरा बाद फिर 0.5 किलोमीटर नहीं थे बेमुआ के बाद नक्सर बा सरहुला बा दिलदार नगर। तो इसको दोस्तों 1902 में इसको टेंडर हुआ था, इसको मतलब गाजीपुर से जोड़ना था, लेकिन जब क्रांति आंदोलन चलने लगा उस समय इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, और आज भी यहीं तक इसकी लाइन जो है रेल लाइन यहीं तक खत्म हो जा रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद गंगा नदी स्टार्ट हो जा रही है। तो दोस्तों काफी फेमस रेलवे स्टेशन है ताड़ी घाट, हमने देखा। इसी तरह की जो भी वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी तक दिखाते हैं, और ये पहले के समय का देखिए बना है।
शेड का लगभग 1880 में इसका उद्घाटन हुआ था, काफी ज्यादा पुराना है ना। बिल्कुल सही स्थिति में ठीक है, पहले का है अभी। प्रतीक्षालय कक्ष है और ऊपर देख सकते हैं शेड, और तो ये पहले के समय का सब लगा हुआ। आप लोग क्या कर रही हैं, ट्रेन का इंतजार कर रही हैं? कब ट्रेन आएगी? शाम को 6 बजे 7 बजे ऐसा ही नहीं है। तो सुबह कहाँ आप लोग आई थी? गाजीपुर गई थी। तब गाजीपुर से जाना है दिलदार नगर, तो बस वो नहीं चलती इधर? हंस रहे हैं लोग कैमरे में देखकर, ठीक है। तो ट्रेन का टिकट 10 रुपए आज भी लगता है? अच्छा 10 रुपए लगेगा, 6 बजे आएगी, आप लोग जाएंगे। अच्छा देखिए भैया, ये लोग ट्रेन के इंतजार में बैठी हैं और 6 बजे लगभग ट्रेन आएगी, और पहले के समय का आप देख सकते हैं। अब थोड़ा डिजिटल कर दिया गया है इसको, तो आप भी कहाँ जाना है चाचा आपको? दिलदार नगर। 6 बजे आएगी ट्रेन? अच्छा अब 2 टाइम, सुबह शाम, दोपहर में नहीं चल रही है? चलिए अब लाइन बन जाएगा तो आराम हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान आप लोग आ जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? दिलदार नगर। तो आप पढ़ाई करते हैं? कहाँ? अच्छा पटना। तो यहीं से ये लाइन चली जाएगी दिलदार नगर, वहाँ से पटना के लिए मिल जाएगी। अब जब ये जुड़ जाएगा गाजीपुर वाला, तब तो आराम हो जाएगा। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम थे ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन पे और ये लाइनें आप देख सकते हैं, आज भी सिंगल लाइन है। और पहले के समय का देखिए, ये जो भी सामान आते थे इसी में, ये जो ब्लैक वाला है इसी में रखा जाता था। इसी तरह की जो भी वीडियो होती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।